राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होप करती हैं कि बेहद ही अच्छे होंगे। आज के इस नए सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सो गाइस, ये रहा मॉर्निंग का टाइम और टाइम को समथिंग हो रहे हैं, 7 बज चुके हैं। तो देखते हैं आज के दिन की शुरुआत किससे होती है। आज आप लोगों के साथ ना मैं बहुत अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं कहीं जाने वाली हूँ, मम्मी बनाएगी चूल्हा। गाइस, आज मैं हम लोग बनाने वाले हैं चूल्हा। ये रहा मॉर्निंग का टाइम और टाइम को समथिंग हो रही है, 5-6 बज चुके हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बट मम्मी बोली कि लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। इसको पूरा फोड़ डालेगी, एक परत जो पुराना चूल्हा है ना, एक परत फोड़ डालेगी, फिर नया मिट्टी लगा देगी, बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत गुस्सा लगती थी खाना बनाने के लिए, पूरा फूट गया था ना, पूरा कुदलिए से ऐसे खोद खोद के मिचक देगी ऊपर की मिट्टी, फिर नई मिट्टी लगा देंगे तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा। जो मिट्टी फुला दिए थे ना, तो फूल गई थी, तो मम्मी पूरा कुचल के रख दी है। मैं वीडियो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई, स्किप हो गया था वीडियो, मेरा फ़ोन भी चार्ज उस दिन नहीं था। तो मिट्टी पूरा कुचल के इकट्ठा कर लिए हैं, अब ले जाएंगे अंदर तो बनेगा चूल्हा। खूब सारा मिट्टी है, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से लाना पड़ेगा खेतों से, इतना ज़्यादा है मिट्टी। जितनी सारी ऊपरी की मिट्टी थी ना, तो पूरा खोद के फेंक आई हैं, 4-5 तगाड़ी निकले हुए थे, और कुचली हुई मिट्टी ला लिए हैं चूल्हे के पास। अब लगाएगी मम्मी चूल्हा, अब बनाएंगी। मुझसे तो अभी चूल्हे बनाते बिल्कुल नहीं बनता है, मम्मी से ही बनवाएंगे। अभी तो ये रहा मॉर्निंग का टाइम और टाइम को हो रहे हैं 6 बज चुके हैं। बहुत सुबह सुबह चूल्हा बना रहे हैं। कल मिट्टी कुचली हुई थी मम्मी, पानी सींच करके, जो कि उठके ना मम्मी को पैर पड़े चूल्हे का, ये भगवान चूल्हा बहुत अच्छा बन जाए। स्टार्ट कर दी मम्मी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, क्या करूँ, खाना बनाने तक बहुत परेशानियाँ होती थी, तो आज सुबह सुबह लग पड़े। जैसे ही बिस्तर से जगी तो इसी में हम लोग लग पड़े दोनों लोग। इतनी सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंड में, कड़ाके के साथ ठंड में ना, आज मैं हम लोग सुबह सुबह मिट्टी का काम मेरी मम्मी करने लगी। मम्मी के साथ मैं भी हेल्प करवा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी हो जाए, नहीं मम्मी बेचारी कितना ज़्यादा थक जाएगी। और मम्मी के हाथों से बनवा रही हैं मम्मी मिट्टी का चूल्हा ना, खाना बनाने के लिए इतना अच्छा बना देती हैं। मम्मी से मैं भी सीख लूँगी ना, तो मुझसे भी बनने लगेगा, बट अभी तो प्रेजेंट टाइम में मुझसे नहीं बन रहा है। और देखो, देखिए कि हमारी मम्मी मिट्टी का चूल्हा अपने हाथों से कैसे बना रही हैं। मम्मी के हाथों में ना इतनी अच्छी अच्छी कलाएँ हैं कि हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कितना चूल्हा हमें बनाना पड़ेगा, 2 ठो चूल्हा बना लेंगे ना, तो खाना बनाने के लिए अच्छा रहेगा। झटपट से दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी बनाओ तो अच्छा रहता है। चूल्हे का खाना तो बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और स्वस्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ तो चूल्हे में ही खाना बनता है। ये देखिए कितना अच्छा बना बना के तैयार कर रही है, कोर बना बना के, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लेके बना रही है मम्मी। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, किसी ने खूबी कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अब
सामना दोनों चूल्हा बनके रेडी हो गए हैं, कुछ इस तरीके से बने हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये चूल्हा, हाथों की कला कैसी लग रही है? अब बचा हुआ है अगल बगल की लेप लगाना। अगल बगल लेप लगा देंगे ना तो पुताई करते बनेगा, नहीं पुताई करते बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मम्मी लेप लगा रही हैं। चूल्हा तो बन गया तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तो हमें यहाँ खाना नहीं बनाना पड़ेगा, किचन में अब कैसे खाना बनाऊँगी? चूल्हा सूखने में टाइम भी लग जाएगा, अंदर तो धूप भी नहीं लगेगी कि जल्दी सूख जाए। तो कुछ जुगाड़ बनाएंगी कि आज मैं खाना कहाँ बनाऊंगी, देखते हैं। आंगन पे बन जाएगा तो ठीक रहेगा। दो ठो चूल्हा रखी है दादी, दादी के घर से ले आऊंगी और बनाऊंगी। अब मैं खाना बनाना शुरू कर दिए हैं तो आंगन पे दो ठो चूल्हा रख लिए हैं और बनाएंगे सब्जी चावल, दाल नहीं बनाऊंगी इस टाइम पे। तो हमारे बगी में बहुत ज़्यादा खिली खिली सी और हरी भरी सब्जियां निकलती हैं। इतनी टाइम तो ज़्यादातर गोभी निकल रही हैं। तो मम्मी बोली कि चटपटी कढ़ी बना लो, सर्दियों में अच्छी लगती है और सर्दियों में हमारे यहाँ चटपटी कढ़ी सबसे ज़्यादा बनता है, दाल कम बनती है और सब लोग पसंद भी करते हैं। चावल पक गया है, मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी अब डाल दिए हैं, लहसुन मिर्ची सब डाल दिए हैं, इसे ब्राउन होने तक पकने देंगे। और आंगन पे खाना बना रही हूँ ना तो बहुत अच्छा क्लीन क्लीन और साफ वीडियो भी बन रहा है, नहीं अंदर पूरा ब्लर रहता है। जब लाइट नहीं रहती है ना किचन पे तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। आंगन पे हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद आंगन पे बना रही हूँ ना तो पूरा हमें किचन से एक एक उठो सामान लाना पड़ता है और फिर से रखना पड़ेगा, अंदर खाना ले जाना पड़ेगा, नहीं चिड़ै पंछी कौवे आएंगे तो जूठा कर देंगे, तो नहीं ठीक रहेगा। अभी तो हमें लग रहा है कितनी बड़ी हमें परेशानियां झेलनी पड़ेगी, पता नहीं कब तक मैं चूल्हा सूख पाएगा। सूख जाएगा तभी उसमें आग लगाएंगे, नहीं पूरा फट जाएगा तो फिर बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। इसीलिए मम्मी दादी लोग बोली आंगन पे खाना बना लो तो ठीक रहेगा। आंगन पे खाना बना रही हूँ तो छोटे छोटे बच्चे आ गए ना, इतना ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। मैं खाना बनाने तक इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि कैसे मैं खाना बनाऊं। यहाँ पास रस्सी कूदते हैं देखो, अरे बड़ी सुबह से अमरूद खाने में लग गए। आज आंगन की बना रही हूँ। दीदी क्या कर रही है आपकी दीदी, क्या कर रही लल्ली, क्या कर रही है आपकी दीदी? खाना कितना स्पेशल बना रही है ना, गोभी आलू की सब्जी। किसकी सब्जी बना रही हूँ? अच्छा गोभी आलू। सांद्रा बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या खेल रहे हो? गेंद? रुको यहाँ, जल जाओगी जल जाओगी, कुछ साइड में खेलो, जाओ आंगन पे और बाहर चले जाओ। हाँ ऐसे मैं सब्जियां बनाते बनाते ना दौड़ के चली गई खेत साइड, इतना ज़्यादा बंदर आ गए थे कि मैं सब्जियां भी नहीं बना पाई। लग रहा है पूरा सब्जी इतना मेहनत की है तो जल ना जाए, कोई घर पे नहीं है। तो बातों ही बातों में वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। होप करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा अपडेट लेके आती रहूँ।